नमस्कार अर्गो सुपरफास्ट सहित मु स्वप्ना आरंभ करिबा खबर अभियान प्रकाश पाइला सीबीएसई द्वादश परीक्षा फल चलित बर्ष पास हार 99.37% रही 99.67% छात्री एवं 99.13% छात्र पास करिसेंति छात्रों तुलन में 0.54% छात्री आगुआ अछंति सीबीएसई द्वादश में मोट 13,04,561 छात्र छात्री पास करिसेंति कोरोना संक्रमण को दृष्टि रखी परीक्षा बातिल करा बोर्ड द्वारा गठन करा 13 जनिया प्यानेल द्वारा निर्धारित मूल्यांकन नीति आधार रे फल प्रकाश पाई I'm a commerce student, 12th standard, so I scored 97.2%. Okay. Are you happy? Very happy. Hello. Megha. From humanities in plus two. And I'm literally very, it is my unbelievable experience to score 90 for the first time. Okay. The first time ever, I have never scored it. बहुत अच्छा फील कर रही हूँ. सीबीएसई द्वादश श्रेणी छात्र छात्री मानक रेकर्ड फलाफल पाई सेमानंको ट्वीट करी शुभेच्छा जणाइछंति प्रधानमंत्री और केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान छात्र छात्री मानंको यंग फ्रेंड्स अर्थात युव बंधु कहि संबोधित करिछंति प्रधानमंत्री सफलता पाई सेमानंको शुभेच्छा जणाइबा सह भविष्यत पाई शुभकामना जणाइछंति प्रधानमंत्री मोदी सेपरि केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान सफल होइतिबा छात्र छात्री मानंको शुभकामना जणाइबा सह शिक्षक और पितामातांको मध्ये सेमानकर कठिन परिश्रम पाई शुभेच्छा जणाइछंति 75तम स्वाधीनता दिवस अवसर रे प्रधानमंत्री लाल किल्लारु देश उद्देश्य रे अभिभाषण देबे तेबे ही अभिभाषण पाई प्रधानमंत्री देशर लोकमानक परामर्श मागिछंति एही अभिभाषण रे केउ केउ विशेष विषय को स्थान देई हबो एने लोकमानक प्रस्ताव देबाकु एक ट्वीट करी अनुरोध करिछंति प्रधानमंत्री आपण मानकर भावना और परामर्श लाल किलारु मो भाषण माध्यम रे प्रतिफलित हेबो बोली एही ट्वीट रे कहिछंती मोदी गत वर्ष स्वाधीनता दिवस रे मध्यम प्रधानमंत्री एही परि भावरे लोकमानक परामर्श मागिथिले चलित खरीफ एवं रवि मार्केटिंग ऋतु रे सर्वाधिक धान और गहम खरीद करिछंती केन्द्र सरकार केतक राज्य रे मध्य धान एवं गहम किनारे निजर पूर्व रेकर्ड भांगिथिबा जणा पडिछि ए बाबत रे राज्यसभारे एक लिखित उत्तर माध्यम रे सूचना देइछंती खाद्य खाउटी व्यापार एवं साधारण बंटन विभाग रो केन्द्र राष्ट्रमंत्री साध्वी निरंजन ज्योति केन्द्रमंत्री को सूचना रे जणा पडछि 2020-21 खरीफ मार्केटिंग सीजन रे केन्द्र सरकार 869.29 लाख मेट्रिक टन धान किनिथिबा बेले 2021-22 रवि मार्केटिंग सीजन रे 433.32 लाख मेट्रिक टन गहम किनिछंती सरकार कोरोना टीकाकरण में मिक्स डोज को सामिल करिबा पई एक वैज्ञानिक अध्ययन को मंजूरी देछंती एहा स्पष्ट कर देछंती जे खूब शीघ्र जने व्यक्ति को दुईटी भिन्न भिन्न डोज दिया जाई परिबो कारण ए पर्यंत सामना को आसीथिबा अन्य क्लिनिकल अध्ययन टीका को नहीं सकारात्मक फलाफल देखिबा को मिलिछि विशेषज्ञ कार्य समिति एससीसी और सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन रो बैठक रे कोविशील्ड एवं कोवैक्सीन मिश्रित मात्रा रे दिया जिबा पई निष्पत्ति निया जाइछि एहा नै बहुत शीघ्र ट्रायल आरंभ हेबो एथिरे कोविशील्ड रो गोटी डोज ओ कोवैक्सीन रो आउ एक डोज दिया जिबो कर्नाटक रे मिशन 2023 विधानसभा निर्वाचन पई एबेठु प्रस्तुत हेलाणी बीजेपी 2023 रे हेबाकुथिबा विधानसभा निर्वाचन पई बीजेपी तरफ व्यापक प्रस्तुति चली राज्यर नेतृत्व परिवर्तन परे दल राज्य सरकार मध्यम बड़ परिवर्तन करबाकु जाउछि सर्वप्रथमे मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा स्थान में बसवराज बोमई को राज्यर नुआ मुख्यमंत्री भाव चयन एबे खबर आसुछि जे बीजेपी कर्णाटक रे 5 जणकु उपमुख्यमंत्री करा जिवो सेबडे मुख्यमंत्री हेबा परे बोमई शुक्रवार दिल्ली गस्त करिछंती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साक्षात करिवे एहा सह मंत्रिमंडल को नै मध्य आलोचना हेबो 5 जण उपमुख्यमंत्री को समेत 6-8 जण नुआ चेहरा मंत्रिमंडल रे शामिल करा जिवो कर्णाटक रे सर्वाधिक 34 जणकु मंत्री करा जाई पारे विशृंखलित विरोधी सांसद को राज्यसभा अध्यक्ष को समालोचना संसदर मौसुमी अधिवेशन चलिबा दिन ठारु उभय गृह रे हट्टगोल सृष्टि करी आसुछंती कांग्रेस समेत अन्य किछि विरोधी दलर सांसद
पेगासस प्रसंग को आळ करि गृह कार्य चलाइबा को देउनाहांती विरोधी याहाकु नै गुरुवार लोकसभा रे बाचस्पति क्षोभ प्रकाश करथिबा बेले आज विश्रुंखलित सांसदंक उपरे बर्षिछंती राज्यसभा अध्यक्ष एम भेंकैया नायडू विरोधीक हट्टगोल मध्यरे उभय गृहरे कार्य चलिबा सह किछि बिल पारित होइ जायछि मात्र कोनोसी बिल उपरे आलोचना होइ पारिनि एही कारणरु कार्य दिवस अधारु उभय गृह को मुल्तबी रखिबा को पडिछि It was brought to my notice. Some members are visiting in the house. City Bazaar. अपना आदत के कारण से पुराना आदत के कारण से मेरे सदन है दूसरा some members are putting their hands on the shoulders of marshals. I don't know what prompted them. Thirdly, some people are taking placards and going and standing in front of the minister. All these things, we are taking the house to a new low. I am very much concerned about this. There are two ways. One, ignore this, allow this to become a bazaar. Har ek vyakti apna city bajate rahe, bajate raho. Dusra, taking action. I feel really sorry to say this, even from this podium. I never expected my members to go to that level. Yeah, protesting, walking out, vehemently opposing the government of this thing. All those things are part of it going on. And also sometimes even stalling also nowadays. Earlier also some people were telling me there were, yes, I'm not going to that. But house ka maryada, koi paddhati, parampara, parliament, dekhna padega. सेमीफाइनाल प्रवेश करी मेडल निश्चित कले सिंधु भारतीय तारका ब्याडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु आज जापान ब्याडमिंटन स्टार आकाना यामा गुट्टी को हराई सेमीफाइनाल प्रवेश करी आकाना यामा गुट्टी को 21-13, 22-20 सिंधु परास्त करी दुई खेला बहु समय धरी खेल होता प्रथम गेम 21-13 पीवी सिंधु जीति एक खेल 23 मिनिट पर्यंत चली द्वितीय गेम रे सिंधु एवं यामा गुड्डी मध्यरे तीव्र संघर्ष होता उभयों मध्यरे लंबा समय धरी मैच होता दुहे परस्पर को हरवाई चेष्टा करुले तेज शेष में सिंधु एक मैच रे विजय हासिल कर सेमिफाइनाल को प्रवेश कर भारत पदक आशा दृढ़ हो सेपरे आयोजक जापान को हराई भारतीय पुरुष हॉकी टीम मध्य क्वार्टर फाइनल को प्रवेश करी लगातार भावे पुरुष हॉकी टीम निजर दमदार प्रदर्शन जारी रखी पुल ए रो शेष मुकाबला भारत जापान को 5-3 गोल रे परास्त करी सीधा क्वार्टर फाइनल को प्रवेश करी मैच रे सिमरनजीत सिंह समरेश सिंह एवं नीलाकांत शर्मा गोटे लेखाएं गोल करते तेरे गुंजन सिंह दुई गोल दे एही विजय बड़ भूमिका ग्रहण करिछंती ओलंपिक रे भारत यह क्रमगत द्वितीय विजय द्वितीय मैच रे ऑस्ट्रेलिया ठू हारिबा परे भारतीय पुरुष हॉकी दल स्पेन अर्जेंटीना परे आज जापान को परास्त करी क्वार्टर फाइनल रे प्रवेश करिछि बॉक्सिंग रिंग रु भारत पाई बड़ खबर इतिहास रचिले लवलीना सेमीफाइनाल रे पहुंचिबा सह भारत पाई आउ एक पदक पक्का करिछंती से सेमीफाइनाल रे हारिले मध्यो तांकु ब्रोंज पदक निश्चित भावरे मिलिबो तेबे पूरा देशवासी आशा करिवे से फाइनाल रे प्रवेश करिबा सह गोल्ड किंबा सिल्वर मेडल जितंतु जदि ओलंपिक्स रे भारतर रेकर्ड देखिबा तेबे 2008 बेंजिंग ओलंपिक्स विजेंद्र सिंह को ब्रोंज लंडन ओलंपिक्स रे मेरिकम को ब्रोंज और 2020 रे लवलीना आउ एक पदक पक्का करिछंती तीरंदाज रे इतिहास रचिले दीपिका कुमारी ओलंपिक रे क्वार्टर फाइनाल रे पहुंचिबारे हेले प्रथम भारतीय तीरंदाज दीपिका रुषिया रा खिलाड़ी सुटआउट रे 6-5 रे हराई एही सफलता हासिल करिछंती शेष 8 जणक भितरे स्थान पाइबा परे दीपिका हेउछंती प्रथम भारतीय महिला सिंगल्स पंचम सेट परे स्कोर 5-5 रे बारबाटी रे रहितला तेबे चापो सत्वे सुटआउट रे परफेक्स 10 स्कोर करथिले दीपिका आज मैच रे रियो रे सिल्वर पदक जीति सोनिया पेरवा को बाहर रास्ता देखाई भारतीय महिला हॉकी दल आज टोकियो ओलंपिक रे प्रथम विजय हासिल करिछंती चमत्कार प्रदर्शन करी आयरलैंड को 1-0 गोल रे परास्त करिछि
ଭାରତର ମହିଳା ହକି ଟିମ୍ ଏଥିସହ ଭାରତ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଆଶା ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିଛି ଭାରତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁକାବିଲାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଭେଟିବ ମହିଳା ଦଳ। ରାନୀ ରାମପାଲ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବିଜୟ ସୂଚକ ଏକମାତ୍ର ଗୋଲ୍ଟି ନବନୀତ କୌର ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ନବନୀତ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ, ଏହାପରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡକୁ ଗୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ। ସେପଟେ ନିରାଶ କଲେ ଦୌଡ଼ ରାଣୀ ଦୂତି ଚାନ୍ଦ। 100 ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ। 11.54 ସେକେଣ୍ଡ ସହ ଦୂତିଙ୍କ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ହିଟ୍ ଫାଇଭ୍ରେ ଜାମାଇକା ଏସ୍ ଫ୍ରେସର 10.84 ସେକେଣ୍ଡରେ ସମୟ ସହ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ହିଟର ପ୍ରଥମ 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ଆଥଲେଟ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଗସ ସୁପରଫାଷ୍ଟରେ ସମୟ ହୋଇଛି ଏକ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଧାନବାଦର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ସେସନ ଜଜ୍ ଉତ୍ତମ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆସିଛି ନୂଆ ମୋଡ଼। ଗତ 2 ଦିନ ଧରି ଏହି ଘଟଣା ସାରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏହା ସାଧାରଣ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ନୁହେଁ, ବରଂ ହତ୍ୟା ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରମାଣ ମିଳିବା ପରେ ଏବେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଘଟଣାର ବିଚାର ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତରଫରୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଡିଜିପି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ 1 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଦାଖଲ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏନ୍ଭି ରମଣା ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଏକ ମୋକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ବିଚାରପତି ଏବଂ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟୁଥିବା ଏପରି ଘଟଣା ପାଇଁ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି। देखिए मैं तो लगातार कह रहा हूँ कि राज्य की स्थिति लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बिल्कुल ठीक ठाक नहीं है, और कितनी बुरी स्थिति है आप देख सकते हैं कि लगातार इन दिनों पहले एक पुलिस ऑफिसर की हत्या होती है, फिर वकील की हत्या होती है, अभी जज की हत्या हो। वैसे तो हत्याओं का एक लंबी दौर है, पेरिस तहराची में कितनी हत्या होती है किसी पर छुपा हुआ नहीं। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हत्यारों को पकड़ने के बदले पुलिस फाइंडिंग पर पहले ही निकल जाती है। आप यहाँ की घटना देखिए किस प्रकार से तड़के जिसको कहते हैं ना सवेरे ये घटना घटती है, और उन इलाकों में घटना घटती है जहाँ रणधीर वर्मा चौक है उसके आसपास, जिसको कह सकते हैं VIP। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 66 ଜଣ ଜୀବନ ନେଇଛି ମହାମାରୀ ଭାଇରସ। ଏହାସହ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 5834କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 11 ଜଣ ରହିଥିବା ବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 8 ଜଣ ମୃତକ ରହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 1558 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 904 ଜଣ ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣରୁ 654 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ରହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 9,75,690 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 9,53,088 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବି 16,715 ଜଣ ସକ୍ରିୟ ରହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହେବ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଲକ୍ ହେବନି ଓଡ଼ିଶା। କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର ରହିଛି। ଆଗକୁ 500 ଉପରେ ରହୁଥିବା ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା ଏବେ 400ରେ ରହୁଛି, ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଲକ୍ ହେବନି ରାଜ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିଏମ୍ଇଟି CBK ମହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କେସ୍ ଲୋଡ୍ କମିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅନ୍ଲକ୍ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ନିରୋଜ ମିଶ୍ର। ତେବେ ମଲ୍ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଡବଲ ଡୋଜ୍ ନେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ। ସେହିପରି ମଲ୍ ଭିତରେ ଫୁଡ୍କୋର୍ଟ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଉ। ସେହିପରି ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ବଳବତ୍ତର ରହିବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଦୋକାନ ବଜାର 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ। ଜୀବନ ଜୀବିକା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍କୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ନିରଜ ମିଶ୍ର। କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ 3-4ଟି ଦିଗ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଯୋଉଠି ଅତି ପରିମାଣରେ କମିଗଲାଣି ଆଉ କିଛି କୋହଳ ହେଇପାରେ ସେଇଟା ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍, କିନ୍ତୁ ସରକାର ତ ମାନେ ଏଇଟା ତ ଟିମ୍ ଡିସିସନ୍, ତେଣୁ କୋହଳ ହେଇପାରେ
ଯେଉଁଠି ବଢ଼ିଛି ବା ଅଧିକା ରହିଛି ସେଠି ସେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଯାଇପାରେ ବା ଆଉ କିଛି ସାମାନ୍ୟ କୋହଳ କରିଯାଇପାରେ ବା ଆହୁରି କିଛି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିଯାଇପାରେ ସେଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ଦ ସିଚୁଏସନ୍ ଅନ୍ ଦାଟ୍ ଡେ ଯେଉଁଦିନ କି ଡିସିସନ୍ ନିଆହେବ ସେଇଦିନ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। कटकरे अमानिया कोरोना मानुनी कौनसी स्ट्राटेजी नियंत्रण को आसी पारुनाही संक्रमण प्रतिदिन संक्रमण हार रे राज्य रे प्रथम किंबा द्वितीय स्थान रे रहुची कटक ग्रामांचलरु सहरांचल पर्यंत थिबा कटकवासी विभिन्न कटकणा भितरे रहुचंती तथापि बोली मानुनी स्थिति रे सुधार आसुनी कोरोना गत 10 दिन भितरे कटक रे संक्रमण हार 5% रु ऊर्ध्व रे रहितबा बेले 200 रु ऊर्ध्व संक्रमित चिन्हट होउचंती एथिरु ग्रामांचलरे 70% रहुथबा बेले सहरांचलरे 30% रहुची खाली एतिकी नुहे घरकु घर बुली सर्विलांस मध्य करा जाउची अधिक संक्रमित चिन्हट होउथबा स्थानकु माइक्रो कंटेनमेंट जोन मध्य करा जाउची अन्यपटे कोविड केयर सेंटर सह अनेक घरोई कोविड हॉस्पिटल को बंद कर दिया जाइछि सेपटे कटक रे कोरोना नियंत्रण आसुची बोली कहिसेंती जिलापाल सेपटे लोकंक आवश्यकता जीविका को नजर रखि दुकान बजार खोलिबा उपरे नुआ स्ट्रेटजी तयारी करबाकु पडिबो बोली विशेषज्ञ मत देछंती। जो दुईटा जागर जो कमु नै सेति पे एक नंबर होछि जो घर घर सर्विलेंस सभा कथा एकरी रोगी मानक आगरु ठाबो करि जांगर जो करबा कथा ट्रैकिंग ट्रेसिंग एंड ट्रीटिंग से बोधे ठीक भाव में करपाईका उभय म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन को आहरी से अधिक पदक्षेप नवा उचित जमी घर घर सर्वेटा भल भाव हम सर्विलेन्सटा द्वितीय कथा हूँ जो बजार हाट गुड़िक जगह देखुचे जे जहाँ जहाँ सामाजिक दूरता रक्षा करवा कथा और प्रपर मास्क व्यवहार करवा कथा एगुड़िक ठीक भाव में हो ना टीका केन्द्र रे लाठी चार्ज टीका केन्द्र रे असंभाळ भिड़ देखी लोकों को लाठी चार्ज करिछि पुलिस एभली घटना देखा मिली खोर्धा जिला बाणपुर कृतिवास भवन टीका केन्द्र रे कोविड टीका नेबाकु आसीथिबा लोकमानंकु पुलिस रे एभली अमानुषिक व्यवहार सांग को लाठी माड़कु नै लोकों मध्य देखा जाइछि असंतोष लाठी चार्ज बेले ठेला पेला होई 40 रु अधिक लोक आहत होइछंती तेबे 40 रु ऊर्ध महिला और वृद्धा वृद्ध आहत होती एथिरे समुदाय टीका 450 प्रथम डोज 350 द्वितीय डोज 50 गर्भवती महिलांक पई 30 टीका आसीथिला किंतु अधिक लोक टीकाकरण करबा पई टीका केन्द्र को आसीथिले आधार कार्ड रखी स्थान संरक्षण करथिले सेथिजोगु लोकंक मध्यरे ठेला पेला होइथिला एवं परिस्थिति को कंट्रोल करबा पई पुलिस एभली पंथा अपनैथिबा जणापडिछि। राज्य सरकारों अवहेला जो काया विस्तार करुछि डेंगू जितेबले सरकार स्थाणु पाल्टिछंती सेतेबले भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता लोकों सचेतनता करिबा सहित सेवा और चिकित्सार दायित्व नेबो राजधानी विभिन्न स्थान में बीजेपी पक्ष विक्षोभ प्रदर्शन लोकों सचेतन कल्पना छक मास्टर कैंटीन सीआरपी डमणा इंद्रधनु मार्केट आदि 12 स्थान में दल पक्ष विक्षोभ कर भारतीय जनता पार्टी यही आंदोलन को ओह्लैसी कारण आप देखूँ कोरोना महामारी समय लोक मैंने निजर जीविका जीवन पर लड़े करुवा बेले आज कौटिना कौटि ओडिशा सरकार विशेषकर बीएमसी भुवनेश्वर महानगर निगम अपारगता एवं स्थाणुतापी आज राजधानीवासी डेंगुरे आक्रांत होती आज जो भाव में स्थित देखते एत संगीन हो प्रत्येक वार्ड्रे अलिया गदा हो रुच सफा होना ट्रेन जाम हो कौन प्रकार मशा तेल ना धूआ ना तो जो कोटी कोटी टंका आसीथिला एभली भाव में परिचालना करने से पैसा गला कुआ तार जवाब भारतीय जनता पार्टी मागुच केवल धूआ मण मारूची विगत दिन में आम आंदोलन होता तापर बीएमसी आम देख लु टी हाइलाइट कला आम गलिकंदी में पशिचु मु एरिया दीघ 15 वर्ष है रोचे एपर्त बीएमसी गलिकंदी पशी आप गलिकंदी पशिले आप चलिकी जा पारे नहीं अवस्था रही जगह जगह फुटे फुटे पा शहे सुविधा अंचल जमा हो रही है मुख्य डेंगू मशार कारण आम के बुद्धिजीवी आउ स्वेच्छासेवी आम बुलिकी देखुचु लोक सचेतन करुचु आम चाहूँ जनसाधारण उपकृत हूँ जनसाधारण डेंगू किमी नबापू डेंगूर निराकरण तुरंत करीएमसी आम यह दाबी। पंचायतराज विभाग बड़ दुर्नीति फोनी बात्यार 25 मास पर भी पक्का घर पाईना हिताधिकारी पंचायतराज विभाग दुईट चिठी को नहीं सरकार को टार्गेट कला कांग्रेस 12,55,000 लोकों पक्का घर जोगाई देवु बोली राज्य सरकार 9 जुलाई 2021 एने विभिन्न जिलापा चिठी कले राज्य सरकार और अयोग्य हिताधिकारी तालिकार बाद दे योग्य हिताधिकारी नाम जोड़ाप कहगला यार 7 दिन पर भी 15 जुलाई 2021
ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗର ଆଉ ଏକ ଚିଠି କଲା ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ବାଦ ପାଇଁ କୁହାଗଲା। ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ନ କହି ପୁରୁଣା ଚିଠିକୁ ଅକାମୀ କରାଗଲା। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ପକ୍କା ଘରରେ ଏତେ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି। ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାଲିକାରେ ରଖି ସେମାନଙ୍କ ପକ୍କା ଘର ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଚାକିରି କିରାଣୀ କିନ୍ତୁ ମାଲିକ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ସାହୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର, ନୀଳାଦ୍ରି, ବିହାର, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର, କଟକ, ନରସିଂହପୁର ଭଳି ଛଅଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ବିରଞ୍ଚିଙ୍କ ଘରୁ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଶଳା ଘରୁ 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା ଓ ସୁନା ଗହଣା ସହ ଏକାଧିକ ପ୍ଲଟର ମାଲିକ ଥିଲେ ବିରଞ୍ଚି। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି ବ୍ୟାଗକୁ ଘର ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ବିରଞ୍ଚି। ହେଲେ ଘର କଡ଼ରେ ଥିବା ଗଛ ମୂଳରେ ଏହି ବ୍ୟାଗକୁ ଜବତ କରିଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀ। ଏହାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ ଅଫିସରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ନିଜକୁ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପିଏର ପରିଚୟ ଦେଇ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଠକୁଥିଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଏ ଅଭିଯୋଗରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗୋପାଳ ଶତପଥୀ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ପଚରା ଉଚରା କରିବ ପୋଲିସ। ଆଗକୁ ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ତେବେ ଏଥିରେ ଆଉ କାହା କାହା ସହ ହାତ ଅଛି ସେ ନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ନିଜକୁ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପିଏ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବଦଳି କରିବାକୁ ଚାପ ପକାଉଥିଲେ ଗୋପାଳ। କିଛିଦିନ ତଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନାରେ ରେଳବାଇ ଜିଏମ୍ ଏକ ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ। କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପିଏ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେବା ସହ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବଦଳି ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ପୋଲିସ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଶେଷ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଓ ଫଳ ପ୍ରକାଶନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ଦାବିରେ ଅଖିଳ ଭାରତ ଛାତ୍ର ସଂଘ ସହ ବନ୍ଧିତ ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ଡିଇଏଲ୍ଇଡି ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହ ପକ୍ଷରୁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସମସ୍ତ ଡିଗ୍ରୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ୟୁଜିସି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏସ୍ସିଆର୍ଟି ମଧ୍ୟ ଗତ 19 ତାରିଖରେ ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଫଳ ପ୍ରକାଶନ ବିଏସ୍ସିକୁ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚିତ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବୋର୍ଡ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଓ ଫଳ ପ୍ରକାଶନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିଛି। ଚୌଦ୍ୱାର ପୋଲିସ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବାଇକ୍ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ 5ଟି ବାଇକ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚୌଦ୍ୱାରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ସାମ୍ନାରୁ ଗତ 20 ତାରିଖରେ ଲୋଚନ ବେହେରାଙ୍କ ବାଇକ୍ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ନେଇ ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପୋଲିସ ସିସିଟିଭି ଜରିଆରେ ତଦନ୍ତ କରି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଗ ସୁପରଫାଷ୍ଟରେ ସମୟ ସରିଛି, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।